एनाबेल डॉल के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इससे भी ज्यादा खतरनाक काला जादू वाली एक गुड़िया है जिसने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। पेनीवाइज ये नाम तो आपने सुना ही होगा, आईटी मूवी भी देखी होगी, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि ये मूवी रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर आधारित है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उस डरावनी गुड़िया के बारे में और साथ ही जानेंगे पेनीवाइज की सच्ची कहानी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आपने अक्सर हॉरर फिल्मों में देखा होगा कि किस तरह खिलौनों और गुड्डे गुड़ियों में प्रेत आत्मा का वास हो जाता है और फिर वो इंसानों का जीना मुश्किल कर देती हैं। एक ऐसी ही डॉल एनाबेल पर भी फिल्म बन चुकी है, लेकिन इतिहास में उससे भी ज्यादा एक शापित गुड़िया है जिसका नाम है रॉबर्ट। ये एक ऐसी शापित गुड्डा है जिसे आज भी म्यूजियम में कांच के बक्से में बंद करके रखा है। ऐसा माना जाता है कि अगर इसे छू लिया गया तो वो उस इंसान का जीना मुश्किल कर सकता है। फ्लोरिडा में रहने वाले एक परिवार के एक छोटे से बच्चे जीन को उसकी नौकरानी ने ये गुड़िया गिफ्ट में दी थी। इस गुड़िया पर उस नौकरानी ने काला जादू कर रखा था। ये गुड़िया जीन नाम के बच्चे को गिफ्ट में मिली थी, उसने उसका नाम रॉबर्ट रख दिया था, लेकिन उसके बाद घर में कुछ ऐसा होने लगा जो नहीं होना चाहिए था। जीन उस गुड्डे को अपने साथ कमरे में रखता था और रात में उससे बातें करता था। जब उसके मम्मी पापा ने कमरे से आते हुए दो लोगों की आवाजें सुनी तो उन्होंने देखा कि जीन रॉबर्ट से बातें कर रहा था। रॉबर्ट को घर की कई जगहों पर देखा गया जहां उसे नहीं रखा गया था। घर में तरह तरह के साए दिखने लगे और जीन की हालत खराब होने लगी। जीन बड़ा हो गया और उसकी शादी हो गई, लेकिन घर में अजीब चीजें होना बंद नहीं हुई। लेकिन उसके बाद जीन के माता पिता की मौत हो गई। ये डॉल शापित है, ये बात पूरे शहर में फैल गई और लोगों ने जीन के घर की तरफ देखना भी बंद कर दिया। इसके बाद जीन ने उस गुड्डे को अपने घर के तहखाने में बंद कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी जीन और उसकी बीवी की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। उसके बाद उस घर को एक महिला ने खरीदा। उस महिला को यहाँ पर अजीब और गरीब आवाजें और बच्चों की चीखें सुनाई देती थीं। जब उसने तहखाने में उस गुड्डे को देखा तो पादरी और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की मदद से इस गुड्डे को म्यूजियम तक पहुँचाया। आज भी रॉबर्ट डॉल म्यूजियम में एक कांच के बॉक्स में कैद है और किसी को भी इसे टच करने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं है। इस गुड़िया को बनाने वाली नौकरानी को जीन के परिवार ने नौकरी से निकाल दिया था और इसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसने काला जादू करके जीन को चुपचाप एक डॉल दे दी। इसी सच्ची घटना पर आधारित एक हॉलीवुड मूवी भी बनी है जिसका नाम है द कर्स ऑफ रॉबर्ट। पेनीवाइज ये जोकर फिल्मों में ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। आईटी मूवी में ये छोटे छोटे बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था और बाद में उनको मार देता था। लेकिन ये सिर्फ फिल्म की ही कहानी नहीं है, इस फिल्म के राइटर ने इस फिल्म को एक सच्ची घटना से प्रेरित होकर लिखा है। इसका मतलब रियल लाइफ में भी एक जोकर था जो ऐसे खतरनाक काम करता था। इस फिल्म के राइटर हैं स्टीवन किंग, जिन्होंने हॉलीवुड की बहुत सारी फिल्मों की स्टोरी लिखी है, और पेनीवाइज नाम का ये कैरेक्टर इंस्पायर्ड है जॉन कैसी नाम के इंसान से। जॉन ढेर सारे बर्गर खा के बहुत सारी गैस छोड़ता था, इसलिए उसका नाम जॉन गैसी पड़ गया। लेकिन ये चीज मैंने खुद बनाई है। 1972 में जॉन गैसी अपनी कार लेकर और जोकर का गेटअप बनाकर बाहर निकलता था और करता था अपने शिकार की तलाश। उसके बाद ये भोले भाले लोगों या छोटे बच्चों को बहला फुसला कर अपनी गाड़ी में बिठा लेता था और फिर उन्हें अपने घर ले जाकर मार डालता था, और मरे हुए लोगों की लाशों को वो अपने घर के पीछे आंगन में दफना देता था। और उसने 33 लोगों को मार के दफनाया था अपने आंगन में। 1972 से 1978 तक उसने लगातार मर्डर किए और फाइनली 1980 में उसे पकड़ लिया गया। उसके बाद डॉक्टर्स ने उसका चेकअप किया और बाद में बताया कि ये साइको है, ये पागल है। इस मूवी की जब स्टोरी लिखी गई तो असली जोकर्स की कम्युनिटी में इस फिल्म का विरोध किया। उनका ऐसा कहना था कि इस फिल्म से हमारी इमेज खराब होती है, लोग हमसे डरने लगे हैं। लेकिन क्योंकि इस फिल्म की कहानी रियल स्टोरी पर बेस्ड थी, इसलिए इस फिल्म को बनने से कोई भी रोक नहीं पाया। राजस्थान के कोटा शहर में एक पुरानी हवेली है और उसका नाम है ब्रिज भवन, जो अब एक होटल है। लेकिन इसके अंदर कदम रखते ही एक आहट सी होती है, और वो आहट है यहाँ पर वास करने वाली आत्मा की। कहा जाता है कि ब्रिज भवन में एक अंग्रेज की आत्मा आज भी घूमा करती है, वो अंग्रेज जिसे इसी जगह पर अपने दोनों बेटों के साथ मार डाला गया था। ये भवन करीब
180 साल पुराना है। जब ब्रिटिश का शासन था भारत पर, तब अंग्रेज फूट डालो शासन करो नीति अपनाया करते थे, लेकिन एक दिन लोगों को अंग्रेजों की ये चाल समझ में आ गई। इसी दौरान जो इंडियन सैनिक थे उन लोगों ने विद्रोह कर दिया। इसी बीच मेजर चार्ल्स बर्टन अपने दोनों बेटों के साथ इंडिया में ही रह रहे थे, कोटा रेजिडेंसी में। उनके भवन को लोगों ने घेर लिया। ये नजारा देखकर उनके दोनों बेटे सबसे ऊपर की मंजिल पर भाग गए, लेकिन उनके पिता नीचे ही रह गए और उनको लोगों ने तलवारों से मार डाला। तब उन दोनों बच्चों ने भी ऊपरी मंजिल से छलांग देकर अपनी जान दे दी। इंसान हर चीज से भाग सकता है, लेकिन अपने कर्मों से नहीं। और ऐसा ही कुछ मेजर के साथ हुआ। उसको मिली एक दर्दनाक मौत, और इसीलिए उस मेजर की आत्मा आज भी इस भवन में भटकती रहती है। और बहुत से लोगों ने उस अंग्रेज की आत्मा को ब्रिज भवन में महसूस भी किया है। 1980 में कोटा की पूर्व महारानी ने ब्रिटेन के पत्रकार को दिए गए इंटरव्यू में ये कहा था कि उन्होंने कई बार ड्राइंग रूम में मेजर के भूत को देखा। राजस्थान के जयपुर जिले से करीब 80 किलोमीटर दूर अनवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला, जिसको भूतों का गढ़ भी कहा जाता है, इसे भारत सरकार ने खुद प्रतिबंधित किया है। आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की टीम यहां पर मौजूद रहती है और उन्होंने साफ इंस्ट्रक्शंस लिख रखे हैं कि सूर्यास्त के बाद यहां पर कोई भी नहीं रुकेगा, क्योंकि जो यहां पर जाएगा वो शायद कभी लौट कर नहीं आएगा। लॉजिकली अगर मैं बताऊं तो कोई भी पर्यटक स्थल या कोई भी किला, वहां पर रात में किसी भी टूरिस्ट को रुकने की परमिशन नहीं होती है, लेकिन ऐसी चेतावनी हर जगह पर नहीं लिखी होती है जैसे भानगढ़ के किले पर लिखी हुई है, क्योंकि यहां पर मौजूद लोगों का ये कहना है कि यहां रात के समय पायल की आवाजें और घुंघरुओं की गूंज सुनाई देती है। ये जगह पैरानॉर्मल है और ये चीज प्रूफ भी हो चुकी है। यही रीजन है कि इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर किसी को भी रुकने के लिए साफ मना किया है रात में। ये जगह हॉन्टेड है, इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन दो चीजें बहुत ज्यादा ही फेमस हैं। पहली, भानगढ़ की राजकुमारी रानी रत्नावती थी, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर थी और एक तांत्रिक का दिल उस पर आ गया था। उसने राजकुमारी को वश में करने के लिए एक इत्र की बोतल में काला जादू करके भेजा, लेकिन राजकुमारी खूबसूरत होने के साथ साथ अक्लमंद भी थी। वो समझ गई कि इस इत्र की बोतल में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उस इत्र की बोतल में ऐसा जादू किया था कि जो इस इत्र की बोतल को अपने ऊपर छिड़केगा वो तांत्रिक की ओर खींचा चला जाएगा। रानी ने उस इत्र की बोतल को पत्थर पर दे मारा और वो पत्थर उस तांत्रिक के प्रेम में पागल हो गया और वो पत्थर महल की ऊंचाई से लुढ़कता हुआ तांत्रिक के ऊपर जा गिरा। लेकिन मरने से पहले तांत्रिक ने एक श्राप दिया कि भानगढ़ और राजकुमारी जल्द ही मारे जाएंगे और ये जगह हमेशा के लिए वीरान हो जाएगी। और एक साल के अंदर वो जगह पूरी तरह से वीरान हो गई। और अब दूसरी बात, अब जो लोग भूत तांत्रिक और काला जादू पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करते हैं, उनका ये कहना है कि ये जो भानगढ़ है यहाँ पर पानी नहीं रहता था, यहाँ पर अकाल पड़ता था, यही कारण था कि ये जगह पूरी तरह से उजड़ गई। अब इसमें कौन सी कहानी सच है ये आप लोग सोचो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो फिर मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी दूसरी दिल दहला देने वाली वीडियो में। तब तक के लिए